इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, वही अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में दो चरणों में चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा, तो वहीं झारखंड में दो चरणों में चुनाव होगा, जो 13 नवंबर को और 20 नवंबर को चुनाव होगा। वही अगर हम बात करें इसके नतीजे की, तो 23 नवंबर को इन दोनों जगहों के नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यूपी में 13 नवंबर को होगा विधानसभा उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 9 सीटों पर होगा विधानसभा उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया है। वायनाड में 13 नवंबर को लोकसभा चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। वही अगर हम बात करें दिल्ली की, तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आके ऐलान किया इसका, और उन्होंने महाराष्ट्र में बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, वहीं झारखंड में दो चरण में चुनाव होगा। महाराष्ट्र की चुनाव 20 नवंबर को होगा और झारखंड का चुनाव दो चरण में होगा, जिसमें पहला चुनाव जो होगा झारखंड का वो होगा 13 नवंबर को और दूसरा होगा 20 नवंबर को, और दोनों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग होगी और इसके नतीजे आएंगे 23 नवंबर को।